मौसम काफी अच्छा हो गया यार, देखो बादल लग रहा, बारिश होगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम किसी वीकेंड राइड पे नहीं गए थे। आज प्लान था कि वीकेंड है सो जाके कुछ काम करना था गाड़ी में का, और मुझे राइडिंग जैकेट खरीदनी थी। सो आज हम वही लेने के लिए निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं पूना में, एक है ओपन रोड शॉप जो कि कहाँ पे है यार, हड़पसर में। यस, सो हड़पसर हम ट्रैवल करेंगे और आज वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं और मेरे लिए क्या सूटेबिलिटी रहती है, क्या बजट में कैसे हैं राइडिंग गियर्स, छोटे मोटे और कुछ सामान लेना है तो वो चल के वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल चलते हैं गाड़ी के पास और लगाते हैं अपना सिस्टम और चलते हैं हड़पसर की तरफ। टाइम हो गया है यार, 3:30 हो रहा है और मेरे ख्याल से 4:30 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि नेविगेशन के लिए जो फ़ोन लगाया मैंने, अभी आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये चार्ज नहीं है। तो मुझे पूरा रास्ता तो नहीं मालूम हड़पसर तक का, तो जहाँ तक का मालूम है वहाँ तक मैं चलूँगा। उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा फ़ोन जो कि अभी कैम ये अपना हेलमेट पे लगा है जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो फिर मैं माउंट करके उससे नेविगेशन देख के जाऊँगा। सो माइट बी चांसेस हैं कि आपको पूरा वीडियो नहीं मिलेगा। ये चार्ज होने में बहुत टाइम लेता है यार, मैं आज इसको चार्ज करना भूल गया सुबह, और अभी ये बाइक के चार्जर से कनेक्ट कर दिया ऑलरेडी, बट जब तक ये 10% या 15% के आसपास नहीं जाएगा तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा। MI के फ़ोन पुराने होने के बाद तो अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, आप समझ सकते होगे। बट ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, इसको चार्जिंग लगा दिया है, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग चल रही है, और जब जहाँ तक रास्ता मालूम वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद अपन नेविगेशन लगाएंगे और फिर आगे का रास्ता। यार राइडिंग जैकेट है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अभी मेरा प्लान था कि मानसून में मुझे ढेर सारी राइड्स करनी है और उसकी लिए राइडिंग जैकेट, एक जो लेवल 1 या लेवल 2 का एक राइडिंग जैकेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं, चल के देखते हैं अब क्या ऑप्शंस मिलते हैं मुझे वहाँ पे। तो फाइनली आ गए हैं ओपन रोड। मौसम देखिए कितना बढ़िया है, नीले एकदम बादल और धूप नहीं है। हमको लग गया आते आते 1 घंटा, और अब चल के देखते हैं कुछ राइडिंग जैकेट्स, कुछ गियर्स। ये खड़ी है GT ट्विन कॉन्टिनेंटल 650, अच्छी लगती देखने में, लेकिन इसकी सीट मैंने सुना है काफ़ी हार्ड है। ओके चलिए देखते हैं कि अंदर क्या है। सो आप देख सकते हैं राइडिंग जैकेट का ऑप्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे। राइनॉक्स का एक अलग ही पूरा उन्होंने वो बनाया हुआ है रैक, जिसमें केवल राइनॉक्स जैकेट्स हैं, बाकी दूसरी भी रेडा और टर्मैक और अलग अलग ब्रांड्स की जैकेट्स हैं। हेलमेट्स भी इनके पास बहुत अच्छे हैं, सारे ब्रांड क्वालिटीज़ के लगेज एसेसरीज़। ओपन रोड में एक्चुअली अगर आप आएंगे तो आपको राइडिंग रिलेटेड आपको सब मिल जाएगा, टैंक बैग, टॉप रैक्स, यहाँ पे आपको जूते मिल जाएंगे, आपको सैडल बैग्स मिल जाएंगे, अलग अलग अच्छे बहुत महंगे हेलमेट्स भी हैं और बजट फ्रेंडली हेलमेट्स भी मिल जाएंगे। ये वाटरप्रूफ शूज़ एजारो के और अब मल्टी ब्रांड्स ग्लव्स और छोटी मोटी बहुत सेल्स है। तो अभी हमने जैकेट ले लिया है और वो परचेज जो पूरा ट्रांजेक्शन था मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आई वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल एंड मैं बोला ठीक है चलो लेके सीधा चलते हैं वापस घर। उसके बाद घर जाके फिर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको मैं दिखाऊंगा उसमें कि क्या लिया है, कितने का पड़ा, क्या क्या है, पूरा सब डिटेल उसमें आपको बता दूंगा। तो अब हम निकल चुके हैं हड़पसर से वापस हिंजेवाड़ी की तरफ, और पूना की रोड देखिए यहाँ पर तो अच्छी लग रही है, यहाँ पर ट्रैफिक भी कम है आज। आज संडे का दिन है, ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है, बट अभी तक तो नहीं मिल रहा। ये आप जैकेट देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी ऑरेंज एंड ग्रे कलर की है, बाकी मैं फुल आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में।
पहुंच गया हूं घर जैकेट खरीदने के बाद। और चलिए अब आपको दिखाता हूं कि मैंने कौन सी जैकेट ली, किस मॉडल की ली, क्यों ली, उसके पीछे का रीजनिंग क्या था और किस टाइप की राइडिंग जैकेट्स आती हैं जो कि एक बिगनर होने के नाते अगर आपका बजट कम है तो आप वो ले सकते हो। मतलब मैंने क्या सोच के लिया उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा और बात करूंगा। ये जैकेट मैंने लिया है, इसका मॉडल है राइनॉक्स की जैकेट है ये एयर GT3 और लेवल 2 प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। अगर आपको लेना है ठीक ठाक बजट में तो राइनॉक्स एक अच्छा ब्रांड है। और ये कलर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज और ग्रे में लिया क्योंकि हाइनेस मेरी ये ग्रे है उसका मैट। और जो हेलमेट है मेरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेलमेट अगर आप देखेंगे तो ये मेरा एग्जॉर का हेलमेट, ये मेरा ऑरेंज और ग्रे में है। सो मुझे एग्जैक्टली परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया कलर वाइज क्योंकि यही सेम चीज़ मैं ढूंढ रहा था और वैसा ही मिल गया, मेरी बाइक से और मेरे हेलमेट से मैच करता हुआ, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। बाकी इसके बारे में मैं आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बैक सपोर्ट लेवल 2 का इन्होंने दिया है और साथ में यहाँ पे एल्बो का है, सॉरी शोल्डर का और एल्बो सपोर्ट है। फिटिंग करने के लिए वेलक्रो से 3 जगह पे दिया है, हाथ पे साइड में आप वेस्ट के लिए दिया है और ऊपर ये दिया है और सामने 2 पॉकेट्स हैं इसमें, 1 और 2 और अंदर 1 पॉकेट दिया है, ये पॉकेट जिसमें आप ये वाटरप्रूफ बोला जाता है, इसमें आप अपना मोबाइल ले सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें ये अगर आप देखेंगे तो चेस्ट माउंट करने के लिए कंपार्टमेंट रेडी है। मतलब आप अगर आपको लेवल 2 के प्रोटेक्शन चाहिए चेस्ट पे भी तो आप यहाँ पे एक प्रोटेक्टर इसको ओपन करके प्रोटेक्टर लगा सकते हैं तो आपका ये लेवल 2 प्रोटेक्टेड फुल हो जाएगा चेस्ट के साथ। फिलहाल ये नहीं है, इसमें एक और मॉडल आता है जिसमें लेवल 2 चेस्ट में आता है, अर्बन करके उसका नाम है मॉडल का, मैं भी अभी आपको दिखाता हूँ उसकी फ़ोटो, उसमें केवल चेस्ट आता है, उसका प्राइस अलग है। ये जैकेट मुझे पड़ी 5700 की। और दूसरी जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ राइनॉक्स की अर्बन मॉडल की जिसमें चेस्ट प्रोटेक्टर आता है वो है अराउंड 6700 समथिंग। इसके लिए थोड़ा सा वो आउट ऑफ बजट जा रहा था और इनिशियल लेवल पे मुझे मेरा 5-5.5 तक का ही मैंने बजट सोचा था और दूसरे ब्रांड की तो मिल रही थी लेकिन राइनॉक्स से अगर सेम बजट में मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है। वेट कितना है जैकेट का? सो वेट चेक करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना आइडियल वेट ले लेता हूँ, उसके बाद मेरा आइडियल वेट जो है तो देखिए आप 84.90 आ रहा है। और इसके बाद ये जैकेट को मैं कैरी करके, ये जैकेट लिया मैंने तो इसको भी मैं कैरी करके इसका वेट निकाल लेता हूँ तो ये आ रहा है 86.70। तो इसका वेट देखिए 84.9 और 86, मतलब 2 किलो के आसपास ये वेट है जैकेट का। सो बात कर लेता हूँ आपसे कितने का पड़ा, ये आप टैक्स इनवॉइस देख सकते हैं ओपन रोड का। टोटल जैकेट का कॉस्ट मुझे पड़ा है अराउंड 5133 का, टैक्सेस 3300 GST CGST स्टेट और सेंट्रल का लगा के इसका टोटल कॉस्ट पड़ जाता है अराउंड 5700 जो कि ऑनलाइन भी है। सो लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप साइज़ और ये सब कंफर्म नहीं कर पाएंगे तो स्टोर से जाके परचेज करना सेम है, अच्छा है। राइनॉक्स का साथ में इन्होंने एक आपको बताऊं कि 50,000 का एक विंगमैन एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी देते हैं ये लोग, आप कोई भी राइनॉक्स का गियर खरीदते हैं तो उसके साथ में 50,000 का हॉस्पिटलाइजेशन है और परमानेंट डिसेबिलिटी है 50,000 की। सो एक ये एडेड एडवांटेज है राइनॉक्स गियर्स में, कुछ स्टिकर आते हैं साथ में और इसके साथ में एक बुकलेट है और इंफॉर्मेशन गाइड है जो कि कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल चीज़ें जैकेट के साथ मिली। सो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आगे के वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।